नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। सीधे आपको लेकर चलते हैं अलीगढ़, जहां गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। मित्रों, मुझे सात चश्मे बताई, इस सपा बसपा बसपा सपा की सरकारें चलती थी, तब राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर किसी को यूनिवर्सिटी बनाने का याद आया था क्या? आया था? बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी ने मोदी जी के हाथ से राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बना दी और कासगंज, एटा, हाथरस और अलीगढ़ के 100 से ज्यादा कॉलेजों को छोड़कर हमारे युवाओं की पढ़ाई लिखाई की हमेशा के लिए व्यवस्था करने का काम किया। आप मुझे बताइए, बहन जी की और अखिलेश की सरकारें थी, गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे? भाई जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? ये पुलिस जो है ना, वो गुंडों से डरती थी, भागती थी। पूरे देश में पुलिस से गुंडे डरते हैं, उत्तर प्रदेश में माफियाओं से पुलिस डरती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, 5 साल में माफिया पलायन कर गया उत्तर प्रदेश के बाहर। आज पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया ढूंढते हैं तो 3 ही जगह पे दिखाई पड़ता है। एक तो जेल में दिखाई पड़ता है, दूसरा उत्तर प्रदेश के बाहर दिखाई पड़ता है, और तीसरा अगर माफिया ढूंढना है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में देख लीजिए, वहां पर भी दिखाई पड़ता है। मुझे बताओ, ये लोग उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं क्या? अगर माफियाओं का राज गया तो मोदी जी, माफियाओं का राज रहा तो मोदी जी जो डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ में लेकर आए हैं, जिसमें लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना है, वो डिफेंस कॉरिडोर में कोई इंडस्ट्री लेकर नहीं आएगा। आएगा बताओ आप, आएगा क्या? ये भाई बैठ जाओ तुम, ओ ये मीडिया वालों को बुलाओ तो जरा, बैठ जाओ भैया, बीच सभा में क्या कर रहे हो आप, बैठ जाओ नीचे, ये कैमरामैन बैठ जाओ। मित्रों, अगर माफियाओं का राज फिर से लाए, सपा का राज फिर से लाए, तो फिर से एक बार एक कल कारखाने जाने वाले उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून और व्यवस्था का राज लाने का काम किया है। डकैती में 70% की कटौती, लूट में 69% की कटौती, हत्या में 29% की कटौती, अपहरण में 35% की कटौती और बलात्कार के अंदर 30% से ज्यादा कटौती करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, आप मुझे बताओ, कश्मीर के अंदर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? जोर से बोलो, जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? इस सपा बसपा कांग्रेस कभी हटाते क्या? हटाते? आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री दूसरी बार बनाया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। विरोध करते थे अखिलेश, खड़े होकर धारा 370 का विरोध करते थे, आएंगे नहीं, हिम्मत नहीं अतरौली आने की, मगर आए तो पूछना अतरौली वालों कि क्यों विरोध करते थे धारा 370 का। इस तरह से वोट बैंक की राजनीति होती। मेरे सामने खड़े होकर कहा था, खून की नदियां बहेगी, अरे अखिलेश बाबू खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने
देश को सुरक्षित करने का काम किया है भाइयों बहनों, देश को सुरक्षित करने का काम इस सोनिया मनमोहन की सरकार की 10 साल तक सपा बसपा इसका समर्थन करते थे और पाकिस्तान से आलिया मालिया जवालिया घूस आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते और वहां दिल्ली में प्रधानमंत्री के सर पर माथे पर जू नहीं रहे, मौनी बाबा मौन बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, ये पाक प्रेरित आतंकवादियों को मालूम नहीं था कि ये सरकार बदल गई है। उन्होंने उरी में हमला किया, पुलवामा में हमला किया, हमारे जवानों को मौत के घाट उतार दिया मित्रों। मगर इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ना ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल की सरकार थी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। तो 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने देश की 130 करोड़ की जनता का माथा गौरव से ऊंचा कर दिया, दुनिया भर में संदेश भेज दिया कि भारत की सीमाओं का उल्लंघन करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। मित्रों, अपना अलीगढ़, मैं तो गुजरात से आता हूं, आज भी गुजरात में ताला लाना है तो कोई ऐसा नहीं कहता है ताला लेकर आओ, ऐसा कहते हैं अलीगढ़ का ताला लेकर आओ, कहते या नहीं कहते देश भर में, जरा जोर से बोलो ना भाई। ये अलीगढ़ के ताले की फैक्ट्री को ये बुआ भतीजा ने ताला लगा दिया था, लगाया था या नहीं लगाया था, फैक्ट्रियां बंद थी या नहीं थी, एक जिला एक उत्पाद हमने हमारे घोषणा पत्र में लेकर आए, ताला उद्योग को बढ़ावा देकर अब सैकड़ों ताले बनाने की फैक्ट्री फिर से अलीगढ़ में शुरू हो गई है मित्रों, फिर से शुरू होने की, ये काम भारतीय जनता पार्टी, ये राहुल बाबा है, इनको मालूम नहीं है, अभी अभी घूमने निकले हैं, उनको मालूम नहीं है कि खरीफ में कौन सा फसल होता है और रवी में कौन सा, मगर किसी ने पकड़ा दिया उनको कि भाई अलीगढ़ जाओ तो आलू की बात करना, किसान खुश हो जाएंगे। अब ये किसान को क्या समझते हैं मालूम नहीं है राहुल बाबा, सुबह 4 बजे ठंड में पानी डालने किसान जाता है, उसने जमाना देखा है, कोई आपकी बातों से खुश नहीं होगा, मगर बात करने लगे तो बात क्या की, हम यहाँ आलू की फैक्ट्री लगा देंगे। भाइयों बहनों बताओ, आलू कभी फैक्ट्री में होता है, होता है क्या? जिसको ये मालूम नहीं है आलू फैक्ट्री में होता है या खेत में उगाते हैं, जमीन के ऊपर होता है या जमीन के नीचे होता है, अब वो कहने लगे कि हम किसानों की समस्या का समाधान करने लगेंगे, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर साल 6,000 रुपया डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया है मित्रों। लाखों टन अनाज और धान MSP पर खरीदने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी अन्न की पोटली लेकर निकलते हैं अखिलेश जी, अगर ये कोई नई पार्टी के लिए तो हम मान ले, आपकी तो कई साल सरकार रही है, आपकी रही, मुलायम सिंह जी की रही, कब खरीद की इसका हिसाब किताब लेकर आओ, जरा लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए भाई, जोर से बोलो लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए,